छह साल पहले वो 1 अप्रैल की तारीख थी, था अप्रैल फूल्स डे। विवेक ओबेरॉय ने सलमान को फूल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन खुद बन गए इडियट। पिछले 6 साल से अब तक सलमान विवेक को माफ नहीं कर पाए हैं और उस एक गलती की वजह से आज तक उन्हें बुला रहे हैं बॉलीवुड का सबसे बड़ा इडियट। एक बार फिर सुन लीजिए क्या कहा था विवेक ने उस दिन सलमान से पंगा लेते हुए। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन, उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फोन किया डायरेक्टली और मैंने फोन उठाया, मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे और ही स्टार्टेड आउट सेइंग दैट हु आर यू, तुम हो कौन, तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बात है, क्या किस रीज़न की वजह से ये सब हो रहा है, तूने अपने आप को समझ क्या रखा है। बड़ी बदतमीजी से सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि उनकी ज़बान जो है इतनी बदतमीज़ है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। उन्होंने शुरू किया कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम मेरी तरह बुरे इंसान हो। बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हुई हैं, अगर आप लोगों ने कभी सलमान से पहले बात की है और स्पेशली अगर शराब के नशे में बात की हो तो आप जानते होंगे कि वो जब बात करते हैं तो आधा तो आप समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या बोल रहा है आदमी, कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि तुम मेरी तरह हो, यू आर जस्ट लाइक मी, यू आर अ बैड गाय जस्ट लाइक मी। सो मैंने उनसे कहने की कोशिश की, देखो सलमान, डोंट कंपेयर यू एंड मी, तुम्हें कोई बात करनी है तो बात करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम में और मुझ में बहुत फ़र्क है। मुझे मालूम है कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है, मुझे मालूम है कि लोगों की इज्जत कैसे की जाती है, मुझे मालूम है कि बुरी जबान और बुरे एटीट्यूड से पेश नहीं आना चाहिए, और मैं बहुत अलग किस्म का इंसान हूँ जहाँ पे आई हेल्प पीपल एंड आई हैव अ डिफरेंट आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ रादर देन थ्रेटनिंग एंड अब्यूजिंग एंड बुलिंग पीपल। सो डोंट टॉक टू मी अबाउट दैट, इफ यू हैव एन इशू क्लियर इट, टॉक टू मी। ऐश्वर्या को लेकर विवेक के इन इल्जामों से न सिर्फ सलमान बल्कि पूरा बॉलीवुड सकते में आ गया था। बॉलीवुड के नए हीरो विवेक ने जब लाखों दिलों के चहेते सलमान को कोसा था तो विवेक को नहीं पता था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती का एहसास होने पर विवेक ने सरेआम सलमान से माफी भी मांगी, लेकिन सलमान है कि विवेक को माफ करने के लिए तैयार ही नहीं। सलमान दिल के बहुत अच्छे हैं, इस तरह की एक्टिविटी डिपेंड करता है जिनके साथ दिल का अच्छा होना हो पड़ता है उनके साथ होता हूँ, जिनके साथ नहीं उनके साथ नहीं। और माफ करने वाली बात, कभी माफ करते हैं लोगों को? भगवान थोड़ी इंसान है। आपने कहा अपने इंटरव्यू में कि कैटरीना कैफ विवेक सबके साथ काम कर सकती हैं, चाहे वो जॉन हो या शाहरुख हो, लेकिन विवेक नहीं, तो क्या हम कह सकते हैं कि अभी तक सलमान ने माफ नहीं? कौन है ये लोग, वो खुद भी क्यों काम करना चाहेंगे जब वो सलमान खान, अक्षय कुमार इन सबके साथ। 6 साल हो गए पर अभी भी सलमान विवेक को बुला रहे हैं इडियट। सलमान से जब पूछा गया कि अगर कटरीना उनके दुश्मन शाहरुख के साथ काम करें तो क्या उन्हें कोई एतराज है, तो सलमान ने कहा कि कटरीना सिर्फ एक बेवकूफ के अलावा सभी के साथ काम कर सकती हैं। और जब सलमान से पूछा गया कि वो किसकी बात कर रहे हैं तो उन्होंने झट से विवेक ओबेरॉय का नाम लिया। यानी विवेक भले ही माफी मांग मांग कर थक जाएं, लेकिन वो सलमान की नजर में सिर्फ और सिर्फ एक इडियट के अलावा और कुछ नहीं है। रवि जैन के साथ काम्या अरोरा, स्टार न्यूज।